हाइड्रोजन सोलर पैनल एनर्जी के फील्ड में एक रिवोल्यूशन हो सकता है। जहां कन्वेंशनल सोलर पैनल से हमें एज ए इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट में मिलती है, वहीं सोलर हाइड्रोजन पैनल से हाइड्रोजन हमें आउटपुट में मिलती है। और हाइड्रोजन एक बहुत ही पावरफुल फ्यूल है और इसी हाइड्रोजन की वजह से यह पैनल इतने खास हो जाते हैं कि रात में भी हमें पावर सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हमें इसकी ज्यादा जरूरत इंडस्ट्री और हमारे व्हीकल के लिए है, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार को चार्ज करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन हाइड्रोजन हमारे पास होगी तो कार को रीफिलिंग पेट्रोल डीजल की तरह आसानी से किया जा सकेगा। आपको पता है, पानी हाइड्रोजन का रिच सोर्स है। दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम पानी बनाते हैं, लेकिन पानी से हाइड्रोजन निकालने की जो कन्वेंशनल अप्रोच है, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, उसमें हमें डिस्टिल्ड वाटर की जरूरत होती है, जो पानी की प्योरेस्ट फॉर्म है। अब आपको पता है, पानी प्योर फॉर्म में नहीं होता है, तो इसको प्योर बनाने के लिए बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। और पानी को प्योर करने के बाद में इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस शुरू की जाती है, जिसमें और अलग से एनर्जी डालनी पड़ती है। लेकिन सोलर हाइड्रोजन पैनल एक अलग ही कॉन्सेप्ट लेकर आता है। यह एनवायरमेंट में मौजूद मॉइस्चर में से पानी निकाल लेते हैं और मॉइस्चर पार्टिकल आपको पता है एकदम प्योर होते हैं, कोई कंटेमिनेशन नहीं होता है। रिसर्चर्स का कहना है कि जिस भी लोकेशन पर 20% तक मॉइस्चर है, वहां पर यह पैनल काम कर जाते हैं। तो रात के टाइम में मॉइस्चर कंटेंट थोड़ा ज्यादा अवेलेबल रहता है, तो जब हवा चलती है तो इन सोलर पैनल के अंदर साइड में लगे इन पोर्ट से पैनल के अंदर हवा फ्लो होने लगेगी। यदि पैनल को ओपन करके देखा जाए तो इसमें कुछ ऐसे ट्यूब लगे रहते हैं। इन ट्यूब के अंदर कुछ ऐसी प्रोसेस होती है कि हमें आउटपुट में डायरेक्ट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलती है। लेकिन यहाँ पर चैलेंज सबसे बड़ा यह आता है कि एयर में अवेलेबल मॉइस्चर को कलेक्ट कैसे किया जाए। तो इंजीनियर्स ने दो तरीके निकाले। सबसे पहले हम एक ऐसी कॉपर की कॉइल लेते हैं और इस कॉइल में यदि ठंडे पानी को घुमाया जाए या फिर कोई ऐसी गैस जो ठंडी हो, तो कुछ टाइम के बाद में एनवायरमेंट में जो अवेलेबल मॉइस्चर है वह इस कॉइल के आसपास में चिपकने लगेगी और पानी बनने लग जाएगा। सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन है नहीं। कॉइल में चिल्ड गैस भेजने के लिए हमें पूरा रेफ्रिजरेटर का सिस्टम तैयार करना होगा। कंप्रेसर, कंडेंसर, इवेपोरेटर कोइल, कैपिलरी ट्यूब, स्ट्रेनर, तब जाकर कोइल को ठंडा किया जा सकेगा। तो यह सिस्टम काफी कॉम्प्लिकेटेड भी हो गया और हाइड्रोजन पैनल में इसको लगाया गया तो मेंटेनेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और अभी तो हम सिर्फ मॉइस्चर कलेक्ट करने की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन की प्रोसेस तो शुरू ही नहीं हुई। तो इंजीनियर्स ने एक दूसरा तरीका निकाला जो बहुत ही बेहतरीन है। इन्होंने एक मेम्ब्रेन ली जो मेलामाइन स्पंज या सिंटर्ड ग्लास की बनी हुई है। इस मेम्ब्रेन को प्रोटोन एक्सचेंज मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। यह एक फोम होती है, जब रात को हवा चलती है तो हवा इस फोम से होते हुए निकलेगी। यह फोम हवा को आगे पास कर देगी और इसमें जो वाटर कंटेंट है उसको अपने पास में रख लेगी और वाटर को यह अपने अंदर ही स्टोर करके रखती है, कहीं अलग से स्टोर नहीं किया जाता है। यह मेम्ब्रेन पानी को अपने सरफेस एरिया पर इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। इस फोम के दोनों साइड में दो लेयर सेट की जाती है, एनोड कैटालिटिक लेयर और कैथोड कैटालिटिक लेयर। इन लेयर के बीच में थोड़ा सा गैप होता है और साइड में बाइपोलर प्लेट लगी रहती है जो एज एनोड और कैथोड का काम करती है। और यहाँ पर जो खाली गैप है उसमें गैस डिफ्यूजन लेयर होती है। जब मॉर्निंग होगी तो सनलाइट सोलर पैनल पर गिरेगी और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होने लगेगा। जो एनोड कैटालिटिक लेयर है वह इरिडियम की बनी होती है और जब इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है तो यह वाटर मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में तोड़ना शुरू कर देती है। जो ऑक्सीजन निकल रही है वह बाइपोलर प्लेट के अंदर जो चैनल बने हुए हैं उनसे साइड में कलेक्ट कर लिया जाता है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वह तो सोलर पैनल के थ्रू ड्राइव हो रहे हैं और प्रोटॉन्स इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके दूसरी साइड में जाने लगेंगे। और दूसरी साइड में कैटालिटिक लेयर प्लेटिनम की बनी होती है, तो प्लेटिनम की लेयर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स को वापस साथ में लेकर आती है, जिससे हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी और कैथोड से बाइपोलर प्लेट के चैनल से हाइड्रोजन को कलेक्ट कर लिया जाता है। इस केमिकल रिएक्शन से कुछ ऐसी इक्वेशन फॉर्म होती है एनोड और कैथोड साइड में, जो 12th क्लास में इलेक्ट्रोकैटालिस्ट की बहुत बेसिक इक्वेशन है। यहाँ पर जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है वह 99.99% प्योर होती है। जितने भी हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के मेथड है उनमें सबसे ज्यादा इस प्रोसेस की एफिशिएंसी होती है 95%। तो इस हाइड्रोजन को सेपरेट रखना ऑक्सीजन से बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कैटालिटिक लेयर और बाइपोलर प्लेट के बीच में लगी गैस डिफ्यूजन लेयर अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यह जो
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाने का पूरा सिस्टम है, इसमें 45% कोस्ट इसी गैस डिफ्यूजन लेयर की होती है। यह लेयर बाइपोलर प्लेट और कैटालिटिक लेयर के बीच में करंट का फ्लो करवाती है। इस प्रक्रिया में जो हीट और वाटर जनरेट होता है उसको बाहर निकालती है, और बाहर से जो एयर आ रही है उसमें आपको पता है ऑक्सीजन है, तो यह एक बैरियर का काम करती है ताकि हाइड्रोजन के साथ में मिक्स ना हो जाए। अदरवाइज हाइड्रोजन बहुत ही ज्यादा फ्लेमेबल गैस है तो यह तबाही मचा सकती है। लेकिन फिर भी यहाँ पर डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलती है उसका प्रेशर ओनली 5 to 6 PSI का होता है। यदि हमारे ह्यूमन लंग्स से कंपेयर करें तो हमारे लंग्स 10 to 12 PSI का प्रेशर जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन को कलेक्ट कर लिया जाता है और ऑक्सीजन को वापस एनवायरमेंट में छोड़ दिया जाता है। यदि इस पैनल के मैन्युफैक्चरर चाहे तो ऑक्सीजन को भी कलेक्ट कर सकते हैं। जनरली इस लो प्रेशर हाइड्रोजन को टैंक में भर लिया जाता है, लेकिन आपको पता है हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला एलिमेंट है, तो यह सबसे हल्की गैस भी है। यदि 200 लीटर का पेट्रोल टैंक है तो उसमें सिर्फ 5 केजी हाइड्रोजन को भरा जा सकता है, वह भी 10,000 PSI के प्रेशर पर, जिसके लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टैंक बनाना होगा। लेकिन यह इतनी सी हाइड्रोजन हमारी गाड़ी को 300 किलोमीटर तक चला देगी। लेकिन इन हाइड्रोजन पैनल से जनरेट हुई लो प्रेशर हाइड्रोजन गैस को कंप्रेसर की हेल्प से इन छोटे टैंक में भर दिया जाएगा। यदि घरों पर ऐसे 20 हाइड्रोजन पैनल को लगाते हैं तो यह एक साल में 120 से 240 केजी हाइड्रोजन जनरेट करेंगे, जो ऑलमोस्ट 4000 से 6000 बिजली की यूनिट के बराबर होगी। और दिन में जो हाइड्रोजन जनरेट होगी उसको रात में घरों में इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके काम में लिया जा सकता है फ्यूल सेल की हेल्प से। यहाँ पर दोस्तों एक फायदा और है, यह जो हाइड्रोजन बनाने की प्रोसेस है इसको सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, तो किसी भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जैसे सोलर, विंड, बायोफ्यूल से इसको दी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर कुछ चैलेंजिंग टास्क भी है। यदि हम हाइड्रोजन कार ले आते हैं तो गाड़ी को घर पे रिफ्यूल करना आसान काम नहीं होगा, क्योंकि गाड़ी को टैंक में हाई प्रेशर के साथ में हाइड्रोजन फिल करने के लिए हमें पावरफुल कंप्रेसर की जरूरत पड़ेगी, जो हमारी कार की कॉस्ट को बढ़ा देगा। तो इसका एक अच्छा तरीका है, यदि एक हाइड्रोजन स्टेशन बना दिया जाए और पाइपलाइन के थ्रू जिन घरों पर हाइड्रोजन पैनल लगे हैं उसको हाइड्रोजन स्टेशन पर कलेक्ट किया जाए और फिर वहां से गाड़ियों की रीफिलिंग की जाए तो थोड़ा आसान होगा। इस तरीके से जो हाइड्रोजन मिलेगी वह 100% एनवायरमेंट फ्रेंडली और ग्रीन हाइड्रोजन होगी, और इस हाइड्रोजन से एयरप्लेन, गाड़ियां बहुत हाई एफिशिएंसी पर काम कर पाएंगे। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिक कार फ्यूचर प्रूफ नहीं है, जिसको पहले भी मैंने इन वीडियो में बताया है। आपको क्या लगता है, फ्यूचर हाइड्रोजन कार का होगा या इलेक्ट्रिक कार का, जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखना। हालांकि अभी हाइड्रोजन पावर सही तरीके से डेवलप नहीं हुई है, अभी इसको थोड़ा टाइम लगेगा। हमारे 3D एनिमेशन के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। थैंक यू।